एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हाय, माय नेम इज कंचन। तो काफी टाइम के बाद मैं एक वीडियो लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, और जो ये वीडियो होने वाली है वो होने वाली है आपके क्वेश्चन जो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे हैं उन सबके मैं आंसर देने वाली हूँ, क्योंकि मैं काफी टाइम के बाद एक वीडियो बना रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ। तो मैंने सोचा कि एक कमबैक, यही अच्छा एक मुझे एक ऑप्शन मिला कि मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देती हूँ, क्योंकि इतने सारे कमेंट आ रहे थे और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं किसी का रिप्लाई करूं या फिर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं रिलेटेड नॉर्सेट और कुछ भी किसी चीज़ से भी रिलेटेड। मैं शॉर्ट वीडियोस तो ऐसे पोस्ट कर ही रही थी, लेकिन जो मैंने ऐसे वीडियो पोस्ट किया था कि काफ़ी टाइम पहले कि मैंने नए घर में शिफ्ट किया है, मतलब नए रेंट हाउस में शिफ्ट किया है, तो शिफ्टिंग के बाद बहुत सारा काम था, सेटल होने में काफ़ी टाइम लग गया हमको, फिर फैमिली आ गई, तो इन सब चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मैं फिर भी बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं कर देती थी, पर फिर भी जिन लोगों की रिप्लाई मैं नहीं कर पाई और जो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड थे उनको मैंने चूज़ किया है, अराउंड 15-20 क्वेश्चंस हैं, तो आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो कमेंट सेक्शन में जाना और लिखना वेलकम बैक दी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि दी, मुझे बस ये पूछना है कि जैसे नॉर्सेट का एग्ज़ाम पास करने करके अपनी सिटी में नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन सकते क्या, या फिर सिर्फ एम्स में ही बन सकते हैं, ठीक है, और अपनी सिटी में एज अ ऑफिसर करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आपकी सिटी में एम्स है, जैसे कि आप भोपाल से बिलोंग करते हो या फिर ऋषिकेश से बिलोंग करते हो, दिल्ली से बिलोंग करते हो, तो अगर आपकी सिटी में एम्स है तो आप वहाँ नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, और अगर आपकी सिटी में या फिर आपके स्टेट में एम्स नहीं है तो आपकी नियर बाई जो स्टेट है, नियर बाई जो सिटी है, आप वहाँ पर ले सकते हो। और अगर आपको आपकी सिटी में ही चाहिए तो क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट की भी पोस्ट निकलती है, जैसे एमपी गवर्नमेंट हो गया, दिल्ली गवर्नमेंट हो गया, उत्तराखंड गवर्नमेंट हो गया, राजस्थान गवर्नमेंट हो गया, आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि कब किसकी वैकेंसी आती है, तो उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप अपने स्टेट में भी ले सकते हैं, अपनी सिटी में भी ले सकते हैं। एक प्रॉब्लम ही होती है स्टेट वाले में कि ट्रांसफर पॉलिसी होती है, आप अगर अपनी सिटी में हैं तो एक टाइम आपको दूसरी सिटी में जाना ही पड़ेगा, स्टेट में ये प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज एम्स में ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक नहीं आई है कि ट्रांसफर पॉलिसी हो जैसे। तो अगर आपको आपकी सिटी में चाहिए तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको आपके नियर बाई एम्स के लिए क्लियर करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा है, और वो है, मैम एम्स नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी क्या होती है। एम्स में आप जब स्टार्टिंग में जैसे आप लगते हैं तो आपका जो बेसिक पे होता है वो होता है 4400-4900 समथिंग ऐसे करके बेसिक पे होता है, फिर उसके ऊपर आपके लगते हैं डीए, भत्ते जो होते हैं, अलाउंस बोलते हैं जिसको, तो वो होता है, तो डीए होता है, फिर उसके पास से टीए होता है, टीए और डीए होता है, नर्सिंग अलाउंस होता है, एचआरए होता है, तो इन सब का मिला मिलू के जो हमारा ग्रॉस पेमेंट होती है वो तो अराउंड आती है 97,000 समथिंग कुछ, और कट कुट के जो हाथ में, जैसे कि आपका एनपीएस कट रहा है, ईएचएस कट रहा है, टीडीएस कट रहा है, ये सब कुछ कट कुट के हमारे हाथ में आते हैं अराउंड 75 के अराउंड आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्टार्टिंग की सैलरी होती है जैसे आप नर्सिंग ऑफिसर लगते हैं, तो ये होगी आपकी सैलरी की क्लियर कट, मैंने जो बताया है ये पे स्लिप तो मैं दिखा नहीं सकती, बट जो मैंने बोला है ऐसे ही सैलरी आती है, तो इतनी आपकी कट की सैलरी आती है स्टार्टिंग सैलरी, उसके बाद जो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, जो ईयरली इंक्रीमेंट लगता है उसके हिसाब से बढ़ती रहती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम इज़ द फोर्थ ईयर बीएससी नर्सिंग सिलेबस इज द सिलेबस ऑफ नॉर्सेट एग्जाम एंड हाउ यू प्रिपेयर्ड एंड विच आर द बुक्स यू रेफर्ड, काइंडली प्लीज़ रिप्लाई दी, ठीक है। जो फोर्थ ईयर बीएससी नर्सिंग का सिलेबस होता है वो एक पार्ट ऑफ नॉर्सेट का है, बट लेकिन पूरा सिलेबस नहीं होता फोर्थ ईयर का, पूरा चारों साल का जो सिलेबस होता है वो नॉर्सेट का सिलेबस है, ठीक है। और प्रिपेयर कैसे किया, जो हमारी नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन के सबसे बेस्ट जो बुक है वो है हमारी एनक्लेक्स सॉन्डर्स, बट आप एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो और कॉम्पिटिटिव बुक ढूंढ रहे हो तो आप सबसे पहले पी आर यादव को रेफर करो, देन उसके बाद आप एनक्लेक्स सॉन्डर्स रेफर कर सकते हो, ठीक है। और फिर रही बात, आप कोचिंग्स ले सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो, ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो, जो आपको गाइडेंस देगी, बाकी सेल्फ स्टडी ही आपको करनी पड़ेगी सिलेक्शन के लिए, अदरवाइज गाइडेंस वगैरह आपको कोचिंग से मिल जाएगी, आपको मतलब मटेरियल मिल जाएगा अच्छे से और पता चल जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, बाकी जो कुछ भी होगा वो आपको आपकी पढ़ाई करने से ही मिलेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो तो मेडिकल में प्रॉब्लम आ सकती है क्या, ठीक है।
देखो सारे हॉस्पिटल्स का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है वैसे तो, बट लेकिन मुझे नहीं लगता कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होने पर कुछ मेडिकली आपको अनफिट कर देंगे। इसकी जो मैंने जैसे अपने मेडिकल वाले वीडियो में बताया होगा कि कुछ भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मेडिकल बोर्ड आगे जो भी उस हॉस्पिटल का मतलब प्रोटोकॉल होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको उस एम्स के लिए बताया जाएगा। और शायद आपको पोस्टिंग ऐसी जगह दी जाएगी जहाँ पर आपको ब्लड रिलेटेड कुछ भी काम ना करना पड़े, जैसे कि OPDs वगैरह जो होती है जहाँ पर आप सिर्फ ब्लड प्रेशर लो और टेम्परेचर मॉनिटरिंग ये सब होता है। बट मुझे नहीं लगता कि आपको रिजेक्ट कर देंगे इसमें। जो भी उस हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड होगा उसके आगे वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होंगे, ट्रीटमेंट होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा जो है वो समझाएं, नर्सिंग के अलावा आता है वो उस पर वीडियो बनाएं, ठीक है। दूसरा जो मतलब कि नॉन नर्सिंग पार्ट है, ठीक है, नॉन नर्सिंग पार्ट के लिए मतलब मैं इसलिए वीडियो कुछ नहीं बना रही क्योंकि मैं खुद ही मतलब वीक थी नॉन नर्सिंग पार्ट में, क्योंकि नर्सिंग पार्ट ही सबका स्ट्रांगेस्ट पार्ट होता है। तो इसलिए मैं बस ये ज़रूर बता सकती हूँ कि आप बहुत सारी ऐसी और भी यूट्यूब में वीडियोज़ हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, और नॉन नर्सिंग रिलेटेड बहुत सारी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। रीजनिंग आता है, मैथमेटिक्स आता है और जनरल नॉलेज आता है, ये सब कुछ आता है नॉन नर्सिंग पार्ट में, तो इंग्लिश आता है, तो इन सब पे आप फोकस कीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा नॉन नर्सिंग पार्ट। बट मैं ऐसे पर्टिकुलर वीडियो उस चीज़ पे कैसे बनाऊँ जो जिसके लिए मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपकी रैंक फर्स्ट अटैम्प्ट में कम थी एंड और नेक्स्ट अटैम्प्ट में बहुत अच्छी, कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट यू फॉलोड और नेगेटिव पार्ट भी बताओ, क्या कैसे पढ़ाई करी, ठीक है। फर्स्ट में मेरी रैंक कम थी सच में, तो इसीलिए मुझे सिलेक्शन नहीं मिला था। सेकेंड में करी थी मेहनत। पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट ये है कि पॉजिटिव क्या लिखा था, कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट यू फॉलोड। सबसे पहले तो मैंने जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था उसके मिड में मैंने रिज़ाइन दिया था, वर्किंग थी, वर्किंग के टाइम पे मैं पढ़ाई करती थी, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि वर्कलोड था तो इसलिए मैंने नहीं, मेरा क्लियर हुआ था। बट लेकिन मैं फुली डेडिकेटेड, जो मेरा सेकेंड ऑर्डर था उसको मैंने फुली डेडिकेटेड होकर के मैंने उसके लिए पढ़ाई करी थी, और मैंने सबसे ज़्यादा रिविजन किया था, क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट किए थे और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मैंने दी थी, टेस्ट देती थी मैं ऑनलाइन, जिससे मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई थी। तो ये मेरा एक पॉजिटिव पार्ट, तो इससे रिलेटेड मैंने एक फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, वो मैं आई बटन पे आपको बता दूंगी, क्योंकि ये मैं इतनी सारी बातें बोलूंगी तो बहुत लंबी खिंच जाएगी ये वीडियो, तो आई बटन पे क्लिक कर लेना, आपको मिल जाएगी रिलेटेड वीडियो जितने भी मैंने नॉर्थ साइड से रिलेटेड बनाई है, आप उनको जाकर के देख सकते हो कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाई थी और क्या स्ट्रैटेजीज मैंने आपको उसमें बताई भी है, आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या मैं अभी से नॉर्थ साइड के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दूँ? नहीं, आप फर्स्ट ईयर में हो अभी, तो आप अपनी BSc नर्सिंग में फोकस करो और अपने फर्स्ट ईयर में ही जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो उसको ही अच्छे से फोकस करके पढ़ो और अच्छे अच्छे शॉर्ट नोट्स भी बना के रखो। एक अलग से नोटबुक आप बना सकते हो एज नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन के लिए, बट लेकिन आप फुली डेडिकेटेड नॉर्थ सेट के लिए प्रिपरेशन मत करो, इससे आपकी करंट स्टडी बहुत अफेक्ट हो सकती है। मैं आपको फर्स्ट ईयर से तो नॉर्थ सेट के लिए नहीं बोलूँगी डेडिकेट होकर आप प्रिपरेशन करो, बाकी थर्ड ईयर के एंड से आप शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनके ऐप डाउनलोड कर लीजिए और बस आपको लॉगिन करना है, और वो अपने हेल्पलाइन नंबर भी दे के रखते हैं, अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर नहीं हो पा रहा है तो आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं, ईजी है। ऑनलाइन क्लासेस आप इस तरीके से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एम्स क्लियर करने के बाद सीधा जॉब मिल जाती है और GNM वाले एम्स के एग्ज़ाम दे सकते हैं? हाँ, एम्स नॉर्थ सेट क्लियर करने के बाद आपका सीधे जॉब नहीं लगती है, क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स आपके सारे ओके होने चाहिए, देन उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकली भी आप फुली फिट होने चाहिए और कुछ कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जैसे कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, तो वो सब आपका अच्छा होना चाहिए, तो आप फिर उसके बाद आपका आता है नॉर्थ सेट, मतलब उसके बाद आपको एम्स मिल जाएगा। वैसे तो आपकी रैंक अच्छी आ गई तो वो कॉन्फिडेंस होता है, बट नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको दो और पड़ाव पार करने पड़ते हैं, उसके बाद जा करके आपका आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। और रही बात एम्स की, सॉरी रही बात GNM की, GNM वाले ज़रूर दे सकते हैं एम्स का एग्ज़ाम, बस उनके पास या तो 200+ बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आप पोस्ट बेसिक कर लो। पोस्ट बेसिक कर लोगे तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपने GNM किया है और पोस्ट बेसिक नहीं है तो प्लस 200 आपको 200+ बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस तो चाहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग करके नॉर्थ सेट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज हो, किसी से भी आपने BSc नर्सिंग करी है और तो आप दे सकते हैं, आप नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस क्लियर करने के बाद क्या कोई ओरली क्वेश्चन या इंटरव्यू होता है क्या?
अभी तक तो ऐसा कोई भी रूल नहीं आया है अभी तक के नॉर्सेट एग्जाम्स तक कि ओरली कोई इंटरव्यू वगैरह हो रहा है या फिर बहुत पहले स्किल टेस्ट वगैरह हुआ था एक दो बार, मतलब जब से नॉर्सेट स्टार्ट हुआ है तब से तो कोई स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू वगैरह ऐसा कुछ हुआ नहीं है, होपफुली ना हो, बट अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट अगर ऐसा हुआ तो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ मेक अ वीडियो फॉर हाउ टू प्रिपरेशन फॉर नॉर्सेट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, एंड क्या फर्स्ट ईयर से MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं और कौन सी बुक परचेज करें MCQ एंड थ्योरी के लिए। देखो फर्स्ट ईयर से आप अगर करना चाहते हो, आप इतने टाइम से डेडिकेट होना चाहते हो नॉर्सेट के लिए, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए, तो बहुत अच्छी बात। मैं इसलिए आपको MCQ नहीं प्रेफर करना चाहती क्योंकि उसमें सारे ईयर्स के लिखे रहेंगे क्वेश्चन, थर्ड ईयर भी होगा, सेकेंड ईयर भी होगा, फोर्थ ईयर भी होगा, जो आपने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, ठीक है, तो आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे, आप फर्स्ट ईयर भी नहीं कर पाओगे, आप सोचोगे आप तो इतने वीक हो, तो इसलिए मैं आपको प्रेफर नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आप एकदम से लाइन चेंज हो जाती है, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि नॉर्थ साइड की प्रिपरेशन करो, अभी फर्स्ट ईयर में आप ध्यान दो। सेकेंड ईयर से अगर आप बहुत डेडिकेटेड हो इस चीज़ के लिए तो सेकेंड ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आप करना चाहते हो कि नहीं मैं तो कर सकती हूँ तो बहुत अच्छी बात है ये, तो आप क्या कर सकते हो, अभी के लिए आप PR यादव खरीद लो, उसकी MCQ वाला जो है ना एडिशन, वो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, MCQ एडिशन जो है PR यादव का, आप वो खरीद लो और वो भी खरीद लो, अगर उसमें कॉम्बो में मिलता है अगर थ्योरी और MCQ, तो थ्योरी और MCQ दोनों ही आप खरीद लो और धीरे धीरे थ्योरी पढ़ना और उसी थ्योरी के आप MCQ करना, और घबराना बिल्कुल भी नहीं, MCQ जो भी रहेंगे उसके रेशनस भी रहते हैं, और MCQ और जो थ्योरी की बुक होती है PR यादव की, अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप बुक रेफर कर लेना, अभी फर्स्ट ईयर में आप PR यादव पढ़ सकते हैं डायरेक्टली, NCLEX ऑनर्स में मत जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्टेथोस्कोप नहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता है स्टेथोस्कोप हमें, एक्चुअली स्टेथोस्कोप जो होता है हमारे जो जो जिस डिपार्टमेंट में रहता है तो उस डिपार्टमेंट की इन्वेंट्रीज में स्टेथोस्कोप रहता है, जब भी नीडेड रहता है हमें, जैसे कि मैनुअली ब्लड प्रेशर किसी का लेना है तो वो इसलिए, या फिर अगर हमको NG ट्यूब इंसर्शन की साइट कन्फर्मेशन है तो इसलिए, इन सब चीज़ों के लिए हमको स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, हमें हमेशा स्टेथोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो स्टेथोस्कोप हमको नहीं मिलता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाई आई एम वॉचिंग यू फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स, योर चैनल इज़ ग्रोइंग इन अ गुड वे, बट आई डोंट नो वट हैपन, यू आर नॉट पोस्टेड कंटेंट रेगुलरली, वाई इज़ एवरीथिंग ओके? जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि सब कुछ ठीक है, पहली बात तो ठीक है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मैंने घर शिफ्ट किया है, रूम शिफ्ट किया है और फैमिली भी शिफ्ट हो धीरे धीरे, मतलब होती है ऑन एंड ऑफ, कोई आता है कोई जाता है, और तो इसके करके इस चक्कर में मैं मतलब कंटेंट पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं ड्यूटी भी रेगुलर कर रही हूँ और फिर घर आती हूँ, बहुत सारे होती हैं चीज़ें जिसकी वजह से मैं वीडियो रेगुलरली पोस्ट नहीं कर पा रही, बट मैं शॉर्ट्स छोटी मोटी शॉर्ट्स अपडेट कर देती हूँ, आई नो कि वो रिलेटेड नहीं है नॉर्सेट के या फिर नर्सिंग के, बट ताकि मैं एकदम ही वैनिश ना हो जाऊँ यूट्यूब से, तो मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, बट अब मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी कि मैं यूट्यूब पे अच्छे से एक्टिव रहूँ, क्योंकि मुझे भी पसंद है यूट्यूब में वीडियोज़ बनाना, नर्सिंग से रिलेटेड हो या फिर नॉन नर्सिंग हो या फिर मेरी खुद की पर्सनल लाइफ हो, मुझे पसंद है वीडियो शूट करना और अपलोड करना, आप लोगों के साथ शेयर करना। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा कमबैक अच्छा लगा हो और मुझे भी अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद मैं इस तरीके से कैमरे में देख के बात कर रही हूँ, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आई होप आपको भी अच्छा लग रहा हो। और आपको क्या करना है, अगर आपने लास्ट वीडियो देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो वेलकम बैक दी, क्योंकि ये आप लिखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा चलो आपको पसंद आ रहा है और मैं वीडियो पोस्ट करना मतलब रेगुलर करूँगी, कोशिश है मेरी पूरी, कि पता नहीं कि मैं बहुत बिजी रह रही हूँ और मैं ऐसा बताऊँ तो आलसी भी हो गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी पहले, बट धीरे धीरे पता नहीं क्यों आलस आ रहा है मुझे, सो अब मैं ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ। और हाँ एक चीज़ और, मुझे ना आप कुछ कुछ वीडियोस के मतलब वीडियोस का आइडिया दो, कि चाहे नर्सिंग से रिलेटेड हो या फिर आप को सिंपली व्लॉग भी देखने हो, कुछ भी आपको पसंद है वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या देखना है, मैं उसके रिलेटेड आपको वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने एक ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखनी है, किससे रिलेटेड वीडियो देखनी है, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, स्टडी करके बनाऊंगी, मुझे नहीं पता चलेगा तो फिर भी मैं पढ़ के पढ़ के आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना, ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो, अगर उनके भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू नॉर्सेट और नर्सिंग ऑफिसर तो उनके भी ये क्वेश्चंस क्लेरिफाई हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।